Subscribe Mala Noonkun Academy. Press the bell icon. Never miss a video from Mala Noonkun Academy. Hey everyone, welcome to Mala Noonkun Academy. My name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about very most important topic, that is principle of superposition. Dear student, आज हम इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जस्ट लाइक IIT, जी मेंस एडवांस और नीट के लिए, एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. तो डियर स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, पहले उन सारे लेक्चर को देखिए, ताकि आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग भी कॉपी और पेन लेके मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम आते हैं, समझ में नहीं आते, वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से दोबारा रिज्यूम कीजिए और आगे बढ़िए. तो स्टूडेंट, आप किसी को अगर नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तहाँ से वहाँ से आपको नोट मिल जाएगा. डियर स्टूडेंट, चलो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बोलता है? एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इसके स्टेटमेंट क्या बोलता है, और हमें ये ज़रूरत क्यों हो गया, हमें तो कॉलम्स ला था. सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बताया था कि कॉलम्स ला क्या कहता है, और लेक्चर नंबर 3 में हमने किया था कॉलम्स ला इन वेक्टर फॉर्म. आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. कॉलम्स लॉ बोलता है दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितना होता है, एफ इक्वल टू के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर. यह हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर 3 में हमने इसको वेक्टर फॉर्म में देखा, क्योंकि फोर्स वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में हमने दिखाया था. तो आज हमें क्या करना है, आज हमें डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होते हैं, मैं इजी समझा दूंगा आप लोगों को, हर चीज़ एनालाइज करूंगा, इजी एक्सप्लेन करूंगा. देखो, सबसे पहला स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो पहले हम डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे आप लोगों को क्या बोल रही है. सुपरपोजिशन बोल रहा है कि देखो, स्पेस में बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, बहुत सारे एन नंबर तक चार्ज है. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, ये सारे चार्ज जो होता है इस Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो हमने पहले लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कितना होता है, हमने पहले बताया, डिस्कस कर चुका है कि जो दो चार्ज के बीच में कितना मैग्नीट्यूड होता है. लेकिन यहां पे दो चार्ज नहीं है, यहां पे बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज. तो हम यहां पे कॉलम्स ला तो यहां पे यूजफुल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे कौन, सुपरपोजिशन. तो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यह बोल रहा है कि जो इस Q1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, बाकी सारे चार्ज Q1 पे बहुत सारे मल्टीपल ऑफ चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो टोटल फोर्स कितना होगा Q1 पे, ये हमें निकालना है किसकी मदद से, सुपरपोजिशन. तो सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक मेथड है जिस हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं कि इस Q1 पे बाकी सारे चार्ज ने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया. तो डियर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब है कि, तो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं एफ इक्वल टू जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा किस पे, Q1 पे, किसने लगाया, बाकी सारे चार्ज ने Q1 पे जितना फोर्स लगाया वो कितना होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो टोटल फोर्स होगा हर एक इंडिविजुअल फोर्स, देखो इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और ये सारे इंडिविजुअल फोर्स क्या करेगा, हम वेक्टर सम करेगा, क्या करेगा, वेक्टर सम करेगा. तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फोर्स मिलेगा किसका, Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगाया, बाकी सारे चार्ज ने Q1 पे टोटल फोर्स कितना लगाया वो हमें पता कर सकते हैं. चलो हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें क्या बोल रहे हैं. तो डिफिनेशन हमें क्या बोल रहे हैं, देखो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट नंबर ऑफ चार्ज आर इंट्रैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिविंग चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एग्जर्ट ऑन ए
गिव इन चार्ज, किसी गिव इन चार्ज पे बाकी सारे चार्ज ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, बाकी सारे चार्ज ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो उस वक्त टोटल फोर्स कितना होगा इस गिव इन चार्ज पे, जो वेक्टर सम करना पड़ेगा हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के। तो इस तरीके से हम जो निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, हमें ये बोल रहा है इस किसी गिवन चार्ज पे बाकी सारे चार्ज, बाकी सारे मल्टीपल चार्ज ने इस पे कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया। तो ये निकालना किसकी मदद से हमें, ये फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज, बहुत सारे नंबर ऑफ चार्ज एंट्रैक हो रहा है किसी एक गिवन चार्ज पे, तो टोटल जो चार्ज होगा क्यू वन पे, किसी चाहे इस पे हो चाहे इसकी बात करो, किसी गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा वो होगा इन सब का वेक्टर सम करेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेक्टर सम करेगा, हर एक फोर्स की इंडिविजुअल वेक्टर सम करेगा, तो वो बराबर आएगा किसके बराबर, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री डैश 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 एफ वन एन, पहले फोर्स वन इस इन दोनों का फोर्स, फिर इन दोनों का फोर्स, फिर इन दोनों का फोर्स डैश डैश कहाँ तक, एन तक, एन तक सारे फोर्स को हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल वेक्टर सम करना है, सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगा। चलो हम इस क्वेश्चन अच्छी तरीके से इसको करेंगे ताकि आप उनको बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या, कंसीडर दैट एन पॉइंट चार्ज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री डैश डैश क्यू एन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस इन ए डिस्क्रीट मैनर। देखो क्या बोल रहे, कंसीडर, चलो मान लेंगे हमने एन नंबर ऑफ चार्ज लिया क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एन, हमने स्पेस में ये सारे डिस्ट्रीब्यूट है किसी स्पेस में डिस्क्रीट मैनर में, अलग अलग मैनर पे, डिस्क्रीट मैनर पे आपको यहां पे बहुत सारे चार्ज दिखा रहे, बहुत सारे पॉइंट चार्ज, ये सारे क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द चार्ज आर एंट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सारे चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, एंट्रैक्ट करेगा। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड ये सारे चार्ज जो होते, देखो इस क्यू वन पे ये सारे चार्ज जो होते हैं इस क्यू वन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंट्रैक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज क्यू वन, क्यू वन पे टोटल फोर्स कितना होगा जो ड्यू टू ऑल अदर रिमेनिंग, जो बाकी रिमेनिंग चार्ज जितना भी चार्ज है वो इस क्यू वन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो निकालना है। तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ एफ इक्वल टू एफ वन इक्वल टू एफ वन टू प्लस एफ वन थ्री प्लस डैश 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 प्लस एफ वन एन, तो टोटल फोर्स इतना अप्लाई करेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि टोटल फोर्स जो बराबर होगा एफ वन इक्वल टू एफ वन टू एफ वन थ्री एफ वन डैश डैश एन, कहां तक, एन तक। सपोज मान लिया, देखो आप लोग देखो यहां पे क्यू टू क्यू वन, पहले इन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालेंगे, कैसे होगा, देखो इसका डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि देखो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, किसने फोर्स किस पे लगाया, वन वन पे फोर्स अप्लाई कर रहे किसने, टू ने, तो इसका फोर्स का नाम हो जाएगा एफ वन टू। अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई हो जाएगा, यहाँ किसने लगाया, वन पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फोर्स किस पे, यहाँ पे वन पे फोर्स अप्लाई किया किसने, एन ने। देखो जिस तरह से हमने कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में किया था उसी तरह करना है आपको। अब देखो क्यू वन और क्यू थ्री इन दोनों में ऐसे फोर्स लगेगा, इसमें कैसे फोर्स लगेगा, एफ वन थ्री लगेगा, क्यों, क्योंकि वन वन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है किसने दिया, थ्री ने। तो इसका आई होप आप लोगों को समझ में आया ये चीज़। देखो पहले क्यों, देखो
क्यू वन पे फोर्स अप्लाई करे कौन, क्यू टू, तो हो गया वन टू। वन टू का मतलब ये होता है वन पे फोर्स अप्लाई किया किसने, ड्यू टू टू ने। यहाँ पे वन वन पे फोर्स अप्लाई किसने, एन ने, यहाँ पे एन ने, और वन पे फोर्स अप्लाई किया किसने, थ्री ने। तो इस तरह बहुत सारे चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, हमें टोटल फोर्स निकाल इस क्यू वन पे बाकी सारे चार्ज ने कितना फोर्स लगाया। तो सुपर पोजिशन ये कहता है उस वक्त कि जो एफ वन जो हमारा टोटल फोर्स होगा जो क्यू वन पे वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, हर फोर्स की जो ये दीस प्लस ये तीनों फोर्स, ये तीनों फोर्स को हमें प्लस करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर इस तीनों का वेक्टर सम करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में ये चीज। अब क्या हो रहा हमें कि बात, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्यू वन, क्यू वन और क्यू टू के बीच डिस्टेंस रखेंगे हम आर वन टू, और क्यू टू और क्यू थ्री और क्यू वन के बीच में डिस्टेंस रखेंगे आर वन थ्री, और क्यू वन और क्यू एन की डिस्टेंस रखेंगे आर वन एन। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। अब लेकिन यूनिट वेक्टर की बात करूँ, देखो अब यूनिट ये जो होता है हमारे पास, इसका यूनिट वेक्टर आएगा, इसका आपको यूनिट वेक्टर आएगा, ये देखो क्यों क्यों टू कहाँ जा रहा है, क्यों वन की तरह जा रहा है, तो इसका वेक्टर आएगा क्या, इसका वेक्टर आएगा आर टू वन वेक्टर आएगा, आर टू वन वेक्टर। इसी तरह हमें इस चार्ज की बात करूं जो क्यों थ्री कहाँ जा रहा है, क्यों वन की तरह जा रहा है, तो यहां बोल सकते आप यूनिट वेक्टर में थ्री जा रहा है कहाँ, वन की तरह जा रहा है। और इसी तरह का इन एन को भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो आर जो वेक्टर आएगा, इसका वेक्टर एन आर आर एन जा रहा है कहाँ, वन की तरह जा रहा है। तो ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए, क्योंकि टू वन यूनिट वेक्टर फ्रॉम द क्यू टू टू क्यू वन। इसी तरह से सबसे पहले हम ये देखेंगे, सिमिलरली इसी तरह से हम पहले एक एक फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने F12 का देखो, F12 हमने कॉलम्स में वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ये कॉन्स्टेंट है, क्यों प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस जो होता है हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है R12, क्योंकि वन और टू क्यों वन और क्यों टू के बीच में R12 डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिखा। और यह क्या है, ये यूनिट वैक्टर है, यूनिट वैक्टर आर टू वन क्यों है, क्योंकि देखो ये टू, ये टू जा रहा है किस वहाँ पे, देखो फोर्स की डायरेक्शन देखो, टू जा रहा है वन, इसका मतलब बताए टू कहाँ जा रहा है, वन की तरह जा रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन, मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड रखा है इसको मैं। ऐसे सिमिलरली हमने वन थ्री पे, वन थ्री पे देखो, वन थ्री पे भी ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा वन थ्री, और यूनिट वैक्टर क्या आएगा थ्री वन आएगा, क्योंकि ये थ्री कहाँ जा रहा है, वन की तरह जा रहा है। और इसी तरह हमारे पास एन का भी देखो, अगर एन का देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, यहाँ डिस्टेंस आएगा आर वन एन, और यूनिट वेक्टर तो एन कहाँ जा रहा है, वन की तरह जा रहा है। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो टोटल फोर्स कितना होगा क्यू वन पे, बाकी दूसरे चार्जों ने क्यू वन पे टोटल फोर्स कितना लगाया, तो इन सब में आपको देखो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ये कॉमन आएगा, यहाँ पे क्यू वन क्यू टू आर वन टू पहला जो है हमारे पास, और ये दूसरा इंडिविजुअल फोर्स है, ये तीसरा इंडिविजुअल फोर्स है। इन सारे को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।